नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव में होने वाली देरी के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव से संबंधित कई सारी जानकारियां भी अब तक सामने निकल कर आई है, लेकिन अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। और अब तो चुनाव की तारीख को लेकर भी पटना हाईकोर्ट के रुख ने और ज्यादा देरी की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव आयोजन करवाया जाना है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की लड़ाई में बिहार का पंचायत चुनाव फंस गया है, जिसके कारण ही चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की टेंशन बढ़ गई है। अब तक चुनाव की तारीख को लेकर कोई खास अपडेट तो सामने नहीं आई है, मगर चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से तारीख में विस्तार और देरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत ईवीएम की अनुपलब्धता के मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई अगले महीने की 6 तारीख तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें, इस बार के पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम के माध्यम से करवाए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ईवीएम को लेकर ही सारा मामला बढ़ा है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि चुनाव के समय में ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब तक पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी मुहैया नहीं करवाया गया है, जिसके कारण ही सारा मामला पटना हाईकोर्ट के पास जा पहुंचा है, जहां अब पटना हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक अगली सुनवाई की तारीख को निर्धारित कर दिया है। जानकारों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, उस पर पटना उच्च न्यायालय ने फिलहाल सुनवाई को टालने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की खरीदारी होनी है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एनओसी की मांग की थी। वहीं अभी तक एनओसी नहीं मिलने के कारण ही ईवीएम खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिसके कारण चुनाव में देरी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि एनओसी लेने के लिए जो पत्र भेजा गया था, उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बाद पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक ईवीएम मशीन की जरूरत भी बताई जा रही है, जिसको सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल तकनीक का नाम दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। चुनाव कब और कैसे होना है, इस पर भले ही पेच फंसा हो, मगर चुनाव किन किन नियमों के अंतर्गत करवाना है, प्रत्याशियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों को लेकर लगातार नए नए अपडेट सामने आते रहते हैं। इसके साथ ही कोरोना के माहौल में चुनाव का आयोजन करवाना भी निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी समस्या है, मगर उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के इस माहौल में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने में सफल साबित होने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।